नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। गृह मंत्री को देश की मीडिया कई नामों से पुकारती है और पुकारने के कई कारण भी हैं। बीजेपी के जब से अध्यक्ष बने तभी से बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया और अब तक बीजेपी इस सत्ता का स्वाद चख रही है। इसी से प्रभावित होकर मीडिया और बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह को चाणक्य का नाम दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त अमित शाह की जो तारीफ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अमित शाह की रणनीति ने ही भारत को तिरंगे के नीचे ला दिया और आज भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। लेकिन इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है और कहा है कि शाह एक सच्चे कर्मयोगी और देश के लौह पुरुष हैं। गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए अंबानी ने कहा कि अमित भाई आप एक सच्चे कर्मयोगी हो, आप देश के लौह पुरुष हैं, गुजरात और भारत धन्य है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और अंबानी समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। अंबानी यही नहीं रुके और 370 पर तारीफ करते हुए कहा कि भारत का भविष्य शाह के हाथों में सुरक्षित है। छात्रों को याद दिलाते हुए कहा कि आप अपनी इच्छाओं को मारे नहीं और ना कभी कम करें, बड़े सपने देखने में भी कभी संकोच ना करें, हमेशा आशावादी रहें और आने वाले कल के लिए अच्छा सोचें। अमित शाह की तारीफ के पुल बांधने के बाद दिग्गज मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा था कि 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। आप जैसे छात्रों के होते हुए भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जरूर बनेगा। भारत तकनीक के मामले में दुनिया को टक्कर दे रहा है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारत मोबाइल डेटा खपत की संख्या में आज नंबर 1 पर आ गया है। आज का भारत युवाओं का भारत है। आज का भारत कल के भारत से अलग है। आज का भारत उद्यमियों के लिए मददगार है। वैसे यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताते चलें कि लौह पुरुष देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद काफी सालों तक लाल कृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष कहा जाने लगा और अब आडवाणी काल समाप्त होने के बाद मोदी अमित शाह के काल में गृह मंत्री अमित शाह को लौह पुरुष का तमगा मिला है और इसे दिया है देश के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार देश की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। अब देखते हैं कि इस खिताब के बाद राजनीतिक और सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। ये देखने वाली बात है।